हाय फ्रेंड्स, आज मैं सुनाऊंगी आपको एक और अनोखी कहानी। सीमापुर गांव के पास एक बड़ा सा जंगल था। उस जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे। उस जंगल में एक अकेला एलिफेंट भी रहता था, जिसके साथ कोई भी दोस्ती करना नहीं चाहता था। वह अकेला एलिफेंट दोस्तों को ढूंढने के लिए जंगल में घूमता रहता था। एक बार एलिफेंट को कुछ रैबिट मिले। एलिफेंट ने उनसे पूछा, भाई क्या आप मेरे फ्रेंड बनोगे? रैबिट ने कहा, आप बहुत बड़े हो, आप मेरे घर के अंदर फिट नहीं हो सकते, इसलिए मैं आपका फ्रेंड नहीं बन सकता। कुछ देर बाद एलिफेंट को कुछ मंकी दिखे। उसने मंकी से भी पूछा, भाई क्या आप मेरे फ्रेंड बनोगे? मंकी ने भी वही जवाब दिया, आप बहुत बड़े हैं, आप मेरी तरह पेड़ों पर नहीं झूल सकते जैसे कि मैं झूल सकता हूँ, इसलिए मैं आपका फ्रेंड नहीं बन सकता। फिर एलिफेंट को एक फ्रॉग मिला। एलिफेंट ने फ्रॉग से भी पूछा, क्या आप मेरे फ्रेंड बनोगे? एलिफेंट को फ्रॉग ने भी वही जवाब दिया, आप बहुत बड़े हैं, बहुत भारी हैं, आप मेरी तरह कूद नहीं सकते, मुझे क्षमा करें, मैं आपका फ्रेंड नहीं बन सकता। एलिफेंट उदास होके वहाँ से चला गया। कुछ देर बाद एलिफेंट ने देखा, जंगल के सभी जानवर डर के मारे भाग रहे थे। एलिफेंट ने एक डियर को रोका और पूछा, भाई क्या हो गया है, आप सब भाग क्यों रहे हो? उसने बताया कि एक टाइगर ने सभी जानवरों को परेशान कर रखा है। एलिफेंट जानवरों को टाइगर से बचाना चाहता था। वह जल्दी से टाइगर के पास गया और बोला, प्लीज सर, मेरे दोस्तों को अकेला छोड़ दीजिए, इन्हें जाने दीजिए, इस जंगल में हम सब मिलजुल कर एक साथ रहते हैं। टाइगर ने उसकी बात नहीं सुनी और एलिफेंट को अपने रास्ते से हट जाने को कहा। टाइगर सुनने को राजी नहीं था। एलिफेंट को और कोई तरीका समझ नहीं आ रहा था। एलिफेंट ने टाइगर को जोर से लात मार दी और टाइगर डर के मारे वहाँ से भाग गया। एलिफेंट ने कैसे अपनी बहादुरी से टाइगर को भगाया, ये देखकर सभी जानवर एक साथ एलिफेंट के पास आ गए और उसके साथ दोस्ती कर ली। मेरे प्यारे बच्चों, इस कहानी से यह सीख मिलती है कि किसी का भी शरीर या उसकी सुंदरता देखकर दोस्ती नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसका मन और उसके गुणों को देखकर दोस्ती करनी चाहिए। धन्यवाद।